नमस्कार साथियों और भाई क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात कि JTET का जो नए नियमावली बन के हमारे सामने आई है उसके बारे में। ये जो नियमावली है ये कल ही कैबिनेट के द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसी नियमावली के अनुसार आपकी जो परीक्षाएं हैं वो हो सकती है, ठीक है। और भाई साहब इस नियमावली में इतने सारे चेंजेस किए गए हैं कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड के कोई भी परीक्षा देते हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी परीक्षा में इतना अधिक फेरबदल जो है देखने को नहीं मिला है अब तक, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि 150 अंक का परीक्षा होता था जिसमें आपको 60% अंक जो है पास के लिए लाना पड़ता था, ठीक है, ये पासिंग अंक था। परंतु अभी जो है पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया है और हर एक सब्जेक्ट में आपको अलग अलग पासिंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और हर एक सब्जेक्ट को आपको पास करना जरूरी है, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि जैसे आप इंग्लिश में कमज़ोर है, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप कमज़ोर है, इंग्लिश में जैसे 15 क्वेश्चन रहते थे उसमें अगर 5 भी क्वेश्चन आपका सही हो जाता था और बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें अगर आपका अच्छा नंबर लाता था तो आपका जो एग्ज़ाम है वो पार हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको हर एक सब्जेक्ट में पास करना ज़रूरी हो गया है, ठीक है। पता नहीं झारखंड के जो ऑफिसर्स लोग हैं वो करने का क्या प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। खैर जो भी है, अब जो हमारे पास नियम दी गई है उसके अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हमारे चैनल में आपको वीडियोस रेगुलरली मिलते रहेंगे और JTET से संबंधित हम लोग स्पेशल रूप से तैयारी करेंगे, ठीक है। मस्त रहिए और दमदार रूप से तैयारी कीजिए। परीक्षा में आप हंडिया पी करके चले जाइएगा और एग्ज़ाम दे के आ जाइएगा, आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो चलिए आज सबसे पहले शुरू करते हैं पेपर वन अर्थात कि 1 to 5 के लिए जो कि प्राइमरी लेवल का है। इस सबसे पहला जो है हम लोग का वो देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात कि पेडागोगी, और इसमें भी बहुत अधिक चेंजेस किया गया है क्योंकि पेडागोगी में पहले हम लोग देखते थे कि 30 अंकों का जो है परीक्षा ली जाती थी और उसमें 30 क्वेश्चन रहते थे, लेकिन अभी जो है क्वेश्चन की संख्या घटा दी गई है और इसमें 20 कर दिया गया है। आप अगर शिक्षा से संबंधित अर्थात कि किसी भी शिक्षक से संबंधित परीक्षा होती है उसकी जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि पेडागोगी शिक्षक से संबंधित परीक्षा में कितना अधिक महत्वपूर्ण होता है। कोई बात नहीं है, इसमें भी आपके जो क्वेश्चन की संख्या है वो घटा दी गई है, 30 से 20 कर दी गई है, परंतु इसमें भी पासिंग अंक जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कर दी गई है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 20 में से आपको 8 अंक लाने जरूरी है। अगर आपका 8 अंक नहीं आता है और इधर आपका सब क्वेश्चन सही रहता है फिर भी आपका परीक्षा जो है वो फेल ही माना जाएगा, ठीक है, आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसमें जनरल के लिए 8 अंक है क्वालिफाई करने के लिए, 8 क्वेश्चन को आपको सही करने होंगे। ओबीसी के लिए है, ओबीसी के लिए 7 और एसटीएससी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 6 क्वेश्चन जो है सही करने होंगे पासिंग मार्क्स लाने के लिए। भाषा एक देखते हैं अर्थात कि लैंग्वेज 1 जो कि है हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। अगर आपका हिंदी नहीं है तो उर्दू भी ले सकते हैं। इसमें जो टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी वो 40 होगी, ठीक है। पहले इसमें 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते थे हिंदी और इंग्लिश से, अभी इसको बढ़ा करके 20-20 कर दिए गए हैं और हिंदी से 20 इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके जो क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में वो 40 अंकों का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। इसमें अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 16 अंक अर्थात कि 16 क्वेश्चन को आपको सही करना अनिवार्य रहेगा। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 14 क्वेश्चन सही करने होंगे और एसटीएससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 12 क्वेश्चन जो है सही करने होंगे। तीसरा जो है हम लोग का वो है भाषा 2 अर्थात कि लैंग्वेज 2 जिसे हम लोग रीजनल लैंग्वेज कहते हैं। रीजनल लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं आपके क्षेत्र के हिसाब से। इसके लिए मैं भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा कि आपके जो क्षेत्र है आपका जो जिला है उसमें कौन कौन से रीजनल लैंग्वेज है। तो इसमें भी आपको 40 अंकों का 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें जनरल के लिए 16 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे,
ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 14 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, और एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 12 क्वेश्चन जो है पासिंग मार्क्स ये रखा गया है, इतने क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। गणित में देखते हैं, गणित में जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 50 रहेंगे। 50 क्वेश्चन में भी अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 20 क्वेश्चन जो है सही करने होंगे पासिंग मार्क्स के लिए। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 17.5 जो क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, और एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 क्वेश्चन जो है वो सही करने होंगे पास करने के लिए। ईबीएस अर्थात कि साइंस या फिर इन्वायरमेंटल साइंस से टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 50 क्वेश्चन रहेंगे, और सेम इसमें भी पास करने के लिए जनरल से बिलोंग करते हैं तो 20 जो क्वेश्चन है वो आपको सही करने होंगे, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 17.5 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो 15 क्वेश्चन आपको जो है वो सही करने होंगे पासिंग अंक प्राप्त करने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो जो प्राइमरी का है अर्थात कि पेपर वन का है 1 to 5 के लिए, इसमें टोटल जो क्वेश्चन की संख्या हो गई वो हो गई 200। इससे पहले 150 क्वेश्चन थी, लेकिन इसमें आपकी प्रश्नों की संख्या तो 150 से 200 कर दी गई है, जिसमें 50 प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, परंतु आपका टाइम नहीं बढ़ा है। ठीक है, आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है तो आपका टाइम भी बढ़ा है, इसमें नहीं बढ़ा है, पेपर टू में आधा घंटा बढ़ा दिया गया है। पहले भी 2.5 घंटा का टाइम मिलता था और अभी भी 2.5 घंटे का टाइम ही आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन सही करने के लिए। तो सोच लीजिए, ये जो पेपर वन है इसके लिए पहले से ही जो इसका सिलेबस था वो हार्ड था, अभी नया नियमावली लाके और भी इसे हार्ड कर दिया गया है, तो उस हिसाब से आपको किस प्रकार से जो तैयारी है वो करनी होगी आप अभी से सोच के चलिए। ठीक है, आगे चलते हैं और पेपर टू के लिए देखते हैं अर्थात कि 6 to 8 के लिए मिडिल स्कूल के लिए। इसमें भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेडागोगी से 40% रहेंगे टोटल, टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होंगी वो 40 होंगी। सेम इसी के प्रकार रहेगा, जनरल में पासिंग मार्क्स 8 रहेंगे, ओबीसी से पासिंग मार्क्स रहेंगे 7, और एसटी एससी का जो पासिंग मार्क रहेगा वो रहेगा 6। भाषा लैंग्वेज वन में रहेंगे हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इसका भी टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 40 रहेंगे। ठीक है, माफ कीजिएगा, इसमें बाल विकास में जो रहेंगे टोटल क्वेश्चन वो 20 रहेंगे, और हिंदी और इंग्लिश में टोटल 40 रहेंगे, हिंदी से 20 और इंग्लिश से 20। इसमें जो जनरल के लिए पासिंग मार्क्स रखे गए हैं वो 16, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 7 क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, ओबीसी से आपको 14 क्वेश्चन सही करने होंगे, और एसटी एससी से आपको 12 क्वेश्चन सही करने अनिवार्य है। भाषा टू में भी आप रीजनल लैंग्वेज है ये भाषा टू, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज आप रख सकते हैं, और इसमें भी टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 40 रहेंगे, जिसमें जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 16 क्वेश्चन जो है सही करने रहेंगे, ओबीसी से 14 और एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 12 क्वेश्चन जो है सही करने होंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग को ऑनर्स सब्जेक्ट रहता है, अर्थात कि आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आप रखे होंगे उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको जो है सब्जेक्ट चुनना रहता है। अगर आपका ग्रेजुएशन में मैथ था, मैथमेटिक्स ऑनर्स था, तो आप फॉर्म भरते टाइम मैथमेटिक्स सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका साइंस का कोई सब्जेक्ट था अर्थात कि फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायो का कोई सब्जेक्ट, बॉटनी जूलॉजी आपका था, तो आप साइंस सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट था तो सोशल साइंस चूज़ कर सकते हैं। और लैंग्वेज में आपका कोई था, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज से अगर आप ऑनर्स किए होंगे, कुड़माली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोटा हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज अगर आप ऑनर्स में रखे होंगे तो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। इसमें टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 150 रहेंगे, और 150 में आपको जनरल से जो बिलोंग करते हैं उनको 60 अंक लाने अनिवार्य होंगे, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 54 अंक जो है लाना अनिवार्य होगा, और एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो पासिंग मार्क्स जो है 45 रखा गया है। और इस पेपर टू का जो टोटल अंक बनते हैं वो बनते हैं 250, इससे पहले 150 अंक थे, 100 क्वेश्चन आपको बढ़ा दिया गया है, और टोटल जो क्वेश्चन है वो 250 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और समय जो मिलेगा, टाइम आपका जो रहेगा वो आधा घंटा बढ़ा दिया गया है, और 3 घंटे का समय आपको मिलेगा।
तो इस जो नियमावली है, इस नियमावली के अनुसार आगे हम लोग कक्षा को कंटिन्यू करेंगे। आज इन्फॉर्मेशन देना था और इसके अनुसार आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बेफालतू का आप इधर उधर से कुछ भी जानकारी लेके उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड हर एक चैप्टर को हम लोग करेंगे और हर एक चैप्टर का वीडियो जो है हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे जो चैनल है बाउंड टू एजुकेशन, इसके साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।